तो आज मौसम जो है बहुत सुहाना है और भोपाल के सफ़र पे हम हैं। ये हमारा ब्लॉग है जिसमें हम भोपाल की खूबसूरती आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ज़रा यहाँ देखिएगा, ये कलियासोत डैम का नज़ारा आप देखिएगा, थोड़ा करीब से मैं दिखाऊंगा आपको। भोपाल में सवेरे सवेरे आज हल्की बारिश हुई और रात में थोड़ी सी तेज़ बारिश हुई। और हमारे यहाँ बुंदेलखंड में इसे मावठा कहते हैं, सर्दी में बारिश जो होती है उसको मावठा कहते हैं। मावठा के बाद मौसम दोपहर के 12 बज रहा है, लेकिन मौसम का मिजाज आप देखिए, एकदम ग्लूमी खूबसूरत मौसम। और ये कलियासोत डैम का नज़ारा यहाँ से आप देखिए, ये रोड देखिए, आपको भोपाल में हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। भोपाल लोग आते हैं अलग अलग जगह से, पर यहाँ से जाते नहीं। भोपाल में आने के बाद लोग बस जाते हैं, क्यों? क्योंकि भोपाल में सब है, आपको पहाड़ भी मिल जाता है, प्लेन भी मिल जाता है, भोपाल में आपको खूबसूरती भी मिल जाती है और थोड़ा बहुत जिस तरह की लाइफस्टाइल आप चाहते हैं विकास के दृष्टि से वो मिल जाती है। आगे पीछे का नज़ारा देखिए, डैम का नज़ारा भी देखिए, इतना खूबसूरत है। ये कलियासोत डैम है और इसके आगे जाते हैं तो कैरवा डैम पड़ता है। ये जो डैम का नज़ारा है लबालब भरा हुआ है। और ये खूबसूरत रोड आप देखिए, यहाँ से आप झंझना के चले जाइए, नंदना के पहुँच जाएंगे। जहाँ जाना आप फैमिली के साथ आउटिंग करना हो, दोस्तों के साथ घूमना हो, तो भोपाल में ये चलता रहता है। और जैसा कि हम इस ब्लॉग में आपको खूबसूरत रोड, सफ़र, सियासत एक घालमेल करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सब कुछ, इस नज़ारे के साथ साथ आज थोड़ी सी जानकारी भी साझा कर लेते हैं। जानकारी ये है कि देखिए, कल राजा पटेरिया वाला एपिसोड हुआ था मध्य प्रदेश में, आज सवेरे सवेरे 5:30 बजे उनको पुलिस उठा के ले गई, और जिसके बाद एक तरह से हम कह सकते हैं पटाक्षेप हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी सो कॉज नोटिस दे दिया है राजा पटेरिया को, लेकिन नेता विपक्ष जो है गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, वो इस पूरे मामले में जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई उसके विरोध में सामने आ गए। तो कांग्रेस में भी दो धड़े हो गए, एक राजा पटेरिया के साथ है, एक उनके खिलाफ है। अब देखना होगा कि कैसे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। जहाँ तक घूमते घूमते खबरों की बात है तो मैंने आपको बता दी है, रोड का भी ज़रा मज़ा लेते रहिएगा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आज लव जिहाद को लेकर भी चर्चा है। दत्तात्रेय होसबोले मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, संघ के स्वयंसेवक, और उन्होंने लव जिहाद को लेकर कहा कि देखिए कानून अपना काम करेगा लेकिन स्वयंसेवकों को भी लव जिहाद को रोकने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। अब इसके मायने क्या है? इसके मायने क्या ये हैं कि मॉरल पुलिसिंग की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ेगा, संघ कार्यकर्ता कैसे रोकेंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कानून अपना काम करता है। अब ऐसा ना हो कि होसबोले साहब के इस बयान के बाद जो प्रेमी युगल हैं या दूसरे जो शादी करना चाहते हैं सब सहमति से, उनको परेशान करना ना शुरू कर दिया जाए और मोरल पुलिसिंग में कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें और दुश्वारियाँ आती ही हैं। तो अब ये बैलेंसिंग एक्ट है, हालांकि चुनावी साल है अब अगला, तो इस तरह के मुद्दे हों, चाहे लव जिहाद की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, एग्रेसिव हिंदुत्व की बात हो, ये सब चीज़ें अगले एक साल बहुत देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्ड कोर हिंदुत्व की लाइन पर मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 100% श्योर। अब लव जिहाद हो गया, राजा की बात भी हो गई, ये देखिए आप, ये डैम है कलियासोत, और इस डैम के मज़े आप लीजिए। बाकी आपको इस रोड के नज़ारे के साथ एक बार दिखाते हैं, इसके आगे का एक रोड है वो कभी फिर आपको दिखाएंगे। ये रोड आप देखिएगा, यहाँ से ये चौराहा है और आप सीधे चले जाइए कैरवा की तरफ। तो भोपाल का ये नज़ारा, भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का विहंगम दृश्य जिसको हम कहते हैं, वो आप देख रहे हैं। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग, हमारा ये काम, हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे उत्साहवर्धन होता है, लगता है कि जो कर रहे हैं लोगों तक कनेक्ट हो रहा है, लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।